जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वेलनेस और सिंगिंग पर कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए योगा से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? इसीलिए सभी सिंगिंग स्टार्स को भेजा गया स्लिम सूत्रा में। योगा में सबसे ज्यादा हम ये कहते हैं, ये सर्वोत्तम मानसिक बल है। आप अगर योगा करते हैं, एक जीवन शैली अपनाते हैं, तो आपको कभी भी कितनी भी टफ कॉम्पिटिशन हो, कितना भी टफ शूट हो या कुछ भी हो, आप अपने आप को उसमें से तैरते हुए बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। योगा में वो पावर है। सो फर्स्ट प्राणायाम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज काउंट योर ब्रीदिंग। सो इनहेल ऐसे हाथ जाएगा, एक्सहेल ऐसे हाथ रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5 एक्चुअली स्लिम सूत्र एक वेलनेस सेंटर है जहाँ पर हम देखते हैं लोगों की चारों तरफ ग्रोथ हो। योगा एक जीवन जीने की कला है। बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है। एक क्वेश्चन बोलिए। जब होती है उससे पहले हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है और ब्रीदिंग एकदम बढ़ जाती है, और उससे सुर पे मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? मोस्टली सब जब यहाँ पर आए तो मुझे यही पूछ रहे थे कि हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, आवाज नहीं निकल पाती है, फिर हम सुर से हट जाते हैं। तो उसके लिए भी हमने उनके लिए एक ब्रीदिंग टेक्निक बताई है कि कितनी लॉन्ग ब्रीदिंग आप उस टाइम पे कर सकते हो ताकि माइंड कंडीशन हो जाए। आपको ये 10 काउंट तक बढ़ाना है। सो 10 काउंट्स तक आपको इनहेल करना है, 10 काउंट्स तक आपको एक्सहेल करना है। जैसे आप बोल रही थी ना कि बहुत नर्वस फील करते हैं, तो अगर आप ये ब्रीदिंग करेंगे ना तो आप कभी नर्वस नहीं फील करेंगे। रेगुलर यही स्पीड, स्लो यही स्लो स्पीड। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर मेडिटेशन विच इज नाथ समाधि मेडिटेशन। ये मेडिटेशन बहुत ही सिंगर्स के लिए ज़्यादातर बहुत अच्छा है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी आवाज़ की। आज हमने एक स्पेशल मेडिटेशन किया, इतना पावर मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा जो आज मुझे मिला है एक दिन में। अगर एक दिन में ही इतना मिल सकता है तो हम लोग अगर एवरीडे करें तो कितना वाइब्रेशंस मिलेगा आप ही सोचिए। द हमिंग शुड बी सेशन करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जो कंसंट्रेशन लेवल है, वो जो नर्वसनेस है, वो आहिस्ता आहिस्ता शायद जा रहा है मुझ में से। इतनी भागदौड़ वाली लाइफ के बाद आज जो मैम ने सिखाया, जितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उससे बहुत ही सुकून मिल रहा है। मैं तो ये पक्का है कि मेरी लाइफ में योगा जरूर ज्वाइन करूंगा। लाई डाउन वेयरएवर यू आर विदाउट ओपनिंग योर आईज। मेडिटेशन कराया वो तो अमेजिंग था, एक दूसरे लेवल पर ही चले गए थे मेडिटेशन के वक्त। और यहाँ स्लिम सूत्रा में बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कमल को ज्यादा अच्छा लगा, सो गया, शायद उठना भूल गया। मैं सारे कंटेस्टेंट से यही कहूंगी, भले ही आप खाना नहीं खाओ एक दिन एक टाइम के लिए, लेकिन योगा को जरूर अपनाओ। अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको अपनी आवाज में खोना है, तो योगा को कंटिन्यू करते रहो। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने और स्वस्थ रहने के सारे गुण सीख कर सिंगिंग स्टार्स पहुँचे लाल बाग के राजा का आशीर्वाद लेने। यहाँ पर मैं पहली बार आया और बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही आनंद आने वाला है यहाँ पर। दर्शन के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ मैं, अपने दर्शन करके जल्दी से वापस आ रहा। मैंने
एक्चुअली मैंने कभी पहले ऐसा दर्शन नहीं किया मुंबई में एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी भीड़ थी, ओह माय गॉड, और भीड़ भीड़ में मैं पैसे ही देना भूल गई भगवान जी को, बट इट्स ओके, मैंने पैसा ले लिया आधे पैसों का, सो आई होप वो उसको कॉम्पनसेट कर दे। सारेगामा प्रोग्राम मैं रोज देखता हूँ और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, इसलिए कहना मतलब मुझे काफी प्रिय है। और अब अंत में मंच पर इस हफ्ते गुजरे कुछ ऐसे पल जो आपको यकीन न हंसाएंगे। रहमान जी और जॉनी विलियम जी के सामने और एक उन दोनों को मेरी सॉरी जितनी प्यारी वो है उससे भी ज्यादा इतना आसान नहीं था परफॉर्मेंस, रंजीत की तो बात सर, हमने आज उनका उनकी मूवी की सारे गाने आज यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं सर रिलीज हाँ एक्सपीरियंसेस कट करना वो तो अंग्रेजी जी बोल रहे अंग्रेजी में नहीं बारी है वीर घराने की।